को आमंत्रित करते हैं। हम सबके बीच में अगर एक व्यक्ति उस दिन भीमा कोरेगांव में थे, वो जिग्नेश जी थे, उनपे भी वही FIR में आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको स्पेस दी गई है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। जिग्नेश जी राजस्थान का दौरा कर रहे थे और 10,000 लोगों की मीटिंग एड्रेस कर रहे थे, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि हम सबको लगा उनको आज यहाँ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश जी, प्लीज आप अपनी, आप विधायक हैं गुजरात के वड़गांव से। साथियों, ये जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें से कुछ निकल कर आता है मेरे हिसाब से, तो वो ये है एक कॉम्बिनेशन, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, फांसीवाद और गुजरात मॉडल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इन गिरफ्तारियों में से निकल कर आता है। सबसे पहली बात आपके बीच में करना चाहूंगा, ये दो चीज करना चाहते हैं। एक तो सारे वो लोग जो संघ परिवार और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ न केवल पिछले 4.5 साल से लेकिन दशकों से लड़ते आए हैं, जो सचमुच इस मुल्क को एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, जो सचमुच दलित माइनॉरिटीज, किसान और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो सचमुच 2019 में इस संघीय भाजपाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं, उनको टेररिज किया जाए, ये सबसे बड़ा, सबसे पहला उनका अटेम्प्ट है। दूसरा उनका अटेम्प्ट है कि दलित एसोसिएशन को हर कीमत पर डिसक्रेडिट किया जाए। वो अंबेडकर वाद के ऊपर या दलित आंदोलन के ऊपर नक्सलवाद का थप्पा लगाकर पूरी दलित मूवमेंट को, उभरते हुए दलित आंदोलन को, दलित एसोसिएशन को एक तरह से डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे भूले कि सचमुच ऊना में दलितों का चमड़ा उधेड़ा गया, सचमुच चंद्रशेखर आजाद रावण को पिछले 1 साल से जेल में डाल दिया गया है, सहारनपुर में घर जलाए गए, एट्रोसिटी के कानून को डिस्टोर्ट किया, संविधान को डिस्टोर्ट करना चाहते हैं, आज भी लोग गटर में उतर कर मर रहे हैं। मेरे खिलाफ राजस्थान में कोई कारण नहीं होने के बावजूद 5 प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किए, सिंपली यू कैन एंटर इनटू नागौर, जयपुर, जोधपुर, तो उभरते हुए दलित आंदोलन को हर कीमत पर कुचला जाए और यदि ये नहीं कुचल सकते तो उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, ये उनका अटेम्प्ट है। और तीसरी बात गुजरात मॉडल से इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ आंदोलनकारी विच इज विद इन द ऑर्गन स्टेट, बल्कि स्टेट से आंदोलनकारियों के खिलाफ एक तरह से हमला बोल दिया है। तो इसके साथ साथ इस पूरे सरकार के षड्यंत्र में से धीरे से मोदी जी के लिए कैसे सिंपति निकाली जाए, ये भी उनका अटेम्प्ट है। और इसलिए पिछले ही मुद्दा ला रहे, घुसेड़ रहे कि मोदी जी को मारने के लिए आ रहे थे। दिस सो कॉल्ड माओइस्ट प्लॉट टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नथिंग बट अ प्लॉट डिजाइंड एंड आर्टिकुलेटेड बाय द महाराष्ट्र पुलिस अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मोदी एंड अमित शाह ओनली टू जनरेट सिंपथी फॉर नरेंद्र मोदी बिफोर 2019। बिल्कुल इसी प्रकार का पैटर्न हमने गुजरात में देखा था 2003, 4, 5, 6, 7 साल तक, जब तक एपेक्स कोर्ट ने सारे एनकाउंटर्स को फर्जी डिक्लेयर किए नहीं तब तक हर साल कोई जिहादी मोदी जी को मारने आता था, और अब ये थप्पा लगा रहे नक्सलवाद के ऊपर। तो बिना फिजूल के इस मुल्क की जनता 2 करोड़ रोजगार, जो रियल कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यू है उसको भूल जाए, GST और नोटबंदी के चलते जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसको भूल जाए, किसानों की आत्महत्या भूल जाए, किसानों को न्यूनतम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता ये भूल जाए, महंगाई भूल जाए, राफेल के सौदे में हुई डील भूल जाए, ये असली कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यू से ध्यान भटका कर फांसीवाद का ये फ्यूचर है कि कृत्रिम एनएमी को खड़ा करो। और इसीलिए मेरा साफ तौर पर मानना है कि दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों की सरकार, दोनों की पुलिस ने मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है, लेकिन हम लोग टेररिज होंगे नहीं। यदि सरकार हमको टेररिज करना चाहती है तो हम खुलकर कहेंगे इस 5 सितंबर को पूरे मुल्क में सारे दलित, सारे आंदोलन के लिए साथ में मिलकर जगह जगह पर रैलियां करेंगे, धरना करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और सड़कों पर 5 सितंबर को निकलेंगे ही। उसके साथ साथ आपने ये जो कहना है कि यलगार परिषद से दिक्कत है, तो हम ये कहते हैं हम खुलकर
संघ और भाजपा के सामने 15 दिसंबर को 15 सितंबर को इस मुल्क के 20 राज्यों में ललकार परिषद करेंगे 2019 के पहले संघ और भाजपा के सामने ये बात भी तय है। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि बिना फिजूल की मोदी जी को सिंपैथी मिले, लड़ने वाले लोगों को डराया जाए और दलित मूवमेंट को डिस्क्रेडिट किया जाए, इस मकसद से इस पूरे षड्यंत्रों को अंजाम दिया गया है। हमारी व्यक्तिगत बात पे सिर्फ इतना कहेंगे कि भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री रामदास अठावले खुलकर यह कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में न केवल जिग्नेश, यलगार परिषद के आयोजकों में से कोई भी नक्सलवादी मूवमेंट के साथ जुड़ा नहीं। तो सवाल यह, वाई वी आर फेसिंग एफआईआर? आपकी सरकार, आपकी पुलिस कहती है कि नक्सलवादी लोग इसमें इन्वॉल्व है। आपका मंत्री अठावले साफ तौर पर कह चुके हैं कि साजिश में ये कोई साजिश और षड्यंत्र है ही नहीं, ये दलित आंदोलन है। तो साफ तौर पे हम यही कहकर हमारी बात को खत्म करेंगे कि दलित आंदोलन को और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको डराने की कोशिश है, इसके खिलाफ नहीं डरेंगे। 5 सितंबर को भी सड़कों पर उतरेंगे, 15 सितंबर को भी सड़कों पर उतरेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।